अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, से कैसे आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सब की दोनों से अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये हमारा दूध जो था आज फट गया, तो हमने सोचा कि आज इसका कुछ हम बनाते हैं। तो अभी हम इसको पका लेते हैं, फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने इसका क्या बनाया। तो अभी अपन इसको पका लेते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि आपका दूध फट जाए, तो आप ये ज़रूर लाजमी ट्राई कीजिए, क्योंकि इससे अपना दूध भी वेस्ट नहीं होगा और यूज़ में भी आ जाएगा। सो अब हम फिर से अपना मतलब अच्छे से दूध पका लेते हैं, थोड़ा फटे हुए दूध को। अब हम इसमें इलायची डाल देते हैं, और ये हमारे पास कुछ टोस्ट रखे थे, तो हमने सोचा इससे ही हम कुछ बनाते हैं। तो अभी हम ये जो टोस्ट है ये इसमें डाल देंगे दूध में। ये शाही टुकड़ा नहीं है, आप लोग सोच रहे हो शाही टुकड़ा है, बट ये शाही टुकड़ा नहीं है, कुछ और है। इसके लिए आपको लास्ट तक पूरी वीडियो देखना पड़ेगी हमारी। अभी हमारे जो टोस्ट थे ये गल गए हैं, इसमें हम इसमें डालेंगे शक्कर, कुछ अपन डिज़र्ट बना रहे हैं तो शक्कर जो है थोड़ी ज़्यादा डलेगी। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे थोड़ा, और ये अब हमारा जो दूध था वो पूरा सूख गया है। हम इसमें डालेंगे फूड कलर, लिक्विड फूड कलर डाल सकते हैं आप लोग, और अगर आपके पास वो वाला है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो हम इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेंगे कि फूड कलर मिक्स हो जाए। अब हम चार मगज डाल देंगे। अभी हम थोड़ा स्लो फ्लेम पे इसको रखा रहने देंगे। ये देखिए, ये हमारा ऑलमोस्ट बन गया है। सो हमारा हलवा हो गया है रेडी। सो आप ऐसे ही बना सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अभी मैंने ये ली है कढ़ाई, उसमें डाला है तेल। ये एक दूसरा है, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। ये है रवा, तो अपन इसमें रवा डाल लेते हैं। हमारा तेल गर्म हो गया था, तो हमने अब इसमें रवा डाल दिया है। वो गीला वाला हलवा था, और ये अब अपन वो जो सूखा वाला नहीं बनता वो बनाएंगे। सो अब हम रवे को तल रहे थे, रवा थोड़ा अच्छा सा गोल्डन हो गया है, तल गया है। वो जो अपन ने हलवा बनाया था वो इसमें डाल देंगे, और अच्छे से इसको मिक्स 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 कर लेंगे। अब हम एक प्लेट लेंगे, उस पर तेल लगाएंगे हल्का हल्का हल्का, तेल या घी लगा सकते हैं आप। और ये जो हमने बनाया है इसको हम उसमें डाल लेंगे। ऐसे पूरा अपन फैला लेंगे अपनी प्लेट में। ऐसे फैल गया है ये। अब हम इसको अच्छे से थोड़ा मतलब सर्कुलर शेप में या रेक्टेंगल या ट्रायंगल, जिसमें भी करना है उसमें कर लेंगे। और फिर इसको इसके ऊपर चार मगज़ डाल देंगे, या जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको डालना है आप डाल सकते हैं। चार मगज़ तो ज़रूरी है डालना। और फिर उसके बाद हम उसको ऐसे पीसेस में कर लेंगे, और थोड़ा हम इसको मतलब दो तीन घंटे के लिए रख देंगे, तो ये थोड़ा सूख जाएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा, आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। देखिए ऐसे, ये ऐसे पीसेस निकलने आएंगे अगर आप थोड़ी देर बाद निकालेंगे।